किसी ने क्या खूब कहा है, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के वी राशि फल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 20 जून दिन रविवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली है, दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज रविवार है, सूर्यदेव महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय सूर्यदेव महाराज अवश्य लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा, सूर्यदेव महाराज उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य कहते हैं इन चार चीज़ों में कभी भी नहीं करनी चाहिए शर्म, जीवन में हमेशा बनी रहेगी सुख और समृद्धि। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ विद्वान और योग शिक्षक थे। चाणक्य जी को कई विषयों की गहरी समझ थी। उन्होंने समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र की रचना भी की थी। वे भले ही धन को ज़्यादा महत्व नहीं देते हों, लेकिन उनके जीवन में आत्मसंतुष्टि को ज़्यादा महत्व दिया गया है। नीति शास्त्र में चार ऐसे कार्यों के बारे में जिक्र किया गया है जिन्हें करते समय कोई संकोच नहीं करना चाहिए, तभी व्यक्ति जीवन में मान सम्मान और सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को कभी भी सादा जीवन व्यतीत करने में संकोच नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी परिस्थिति हो व्यक्ति को वैसा ही रहना चाहिए, कभी भी दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप जैसे हैं वैसे ही दूसरों के सामने रहेंगे तो सही मायने में सच्चा सुख और सम्मान प्राप्त होता है। दिखावा करने वाला व्यक्ति सही मायने में सुखी नहीं रह पाता। दूसरा भी बताते कि पुराने और सादे कपड़े पहनने में नहीं करना चाहिए शर्म। कई बार हम दूसरों को देखकर सादे कपड़े पहनने में शर्म महसूस करते हैं कि कोई क्या कहेगा, लेकिन कभी भी पुराने या सादे कपड़े पहनने में शर्म नहीं करना चाहिए। आपने पुराने कपड़े पहने या फिर महंगे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने कपड़े किस तरह से पहने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। कपड़े चाहे जैसे भी हो उन्हें सलीके से पहनना चाहिए। तीसरा भी बताते हैं कि मनुष्य को निर्धन मित्र के साथ रहने से कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्रता की तुलना कभी भी धन से नहीं की जाती। सच्चा मित्र धनवान नहीं बल्कि समय पर साथ देने वाला होना चाहिए। चौथा भी बताते हैं कि वृद्ध माता पिता के साथ ना करें शर्म। दोस्तों मनुष्य के जीवन में सबसे पहले उसके माता पिता का स्थान होना चाहिए। मनुष्य को कभी भी अपने वृद्ध माता पिता के साथ कहीं जाने या उसके साथ रहने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको आज का चाणक्य नीति ज्ञान पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 20 जून दिन रविवार, तिथि है दशमी, नक्षत्र है चित्रा नामक नक्षत्र, पक्ष है शुक्ल पक्ष, माह ज्येष्ठ है। दोस्तों आज सूर्यदेव उदय होंगे 5:08 पर, सूर्यदेव अस्त होंगे 6:51 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है 11:32 से 12:27 पर और दोस्तों आज का अशुभ समय है 5:01 से 5:56 पर। आज सिंह राशि वालों का लकी नंबर है 4। अब बात करते हैं दोस्तों आज के सिंह राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का दिन, आइए जानते हैं। सिंह राशि वालों आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियां और खेलकूद को शामिल किया जाना चाहिए। आपको कई स्रोतों से आज आर्थिक लाभ मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत दिन का आज लुत्फ उठाएं। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नज़रअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक स्थिति भंग ना करने दें। रोमांचक दिन है क्योंकि आपके प्रिय का आज फोन आएगा। यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम आपकी जागरूकता में वृद्धि करेंगे। अगर आप वैवाहिक तौर पर लंबे समय से कुछ नाखुश हैं तो आज के दिन आप हालात बेहतर होते हुए महसूस कर सकते हैं। जीवन की उलझनों का हल आपको खुद ढूंढना होगा क्योंकि लोग आपको बस सलाह दे सकते हैं और कुछ नहीं। अचानक कोई घरेलू समस्या पैदा हो सकती है जो किसी चोरी या दुर्घटना के कारण होगी। यह स्थायी नुकसान है क्योंकि जल्द ही भाग्य आपके साथ होगा। अपने दोस्त या भाई के साथ खाली समय का मजा लें। नेटवर्क के अवसर पैदा होंगे जिससे आप अपने आकर्षण को दिखा सकते हैं। अपना और दूसरों का आदर करना आज आपको सम्मान दिलाएगा। दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और उदारता आपको सबके आंखों का तारा बना देगी। आपके सितारे समारोह यात्रा की तरफ इशारा कर रहे हैं। यह समय अपनी चतुराई पर गर्व करने का है। एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को बदल सकते हैं। रिश्तों में छेड़खानी और हंसी मजाक से रिश्तों का आकर्षण कभी कम नहीं होता। समूह, क्लब या सोसाइटी का हिस्सा बनना भी आपके कैरियर को नई दिशा प्रदान करेगा। आज का दिन महत्वपूर्ण निर्णयों और कैरियर परिवर्तन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अभी आय के नए साधन आपको प्राप्त होंगे। आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे क्योंकि आज पूरी दुनिया आपकी कार्यप्रणाली, प्रवीणता और आत्म प्रयासों की तरफ बढ़ रही है। आपकी संवेदनशीलता और समस्या दूर करने वाला रवैया
आपको लोकप्रिय व सबकी आंखों का तारा बनाता है। व्यापार संबंधी योजनाएं और रणनीतियां बनाएं, प्रयास करें और स्पष्ट रूप से इसमें आगे भी बढ़ें। आज आप सोसाइटी के बंधनों से मुक्त होकर अपने लक को आजमाना चाहते हैं। अपने सोलमेट के आकर्षण से भी आप बच नहीं पाएंगे। लव लाइफ से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं और आपकी सफलता इसी बात का प्रतीक है। अचानक आई घरेलू मुसीबतों से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, आपका सकारात्मक और रचनात्मक रवैया आपको विपरीत लिंग में प्रसिद्ध कर रहा है। अगर आप विवाहित हैं तो आपके साथी को आज आप पर गर्व होगा। आपकी लव लाइफ खूबसूरत और संगीतमय है। जीवन में खटास से बचना चाहते हैं तो कुछ बातों को गंभीरता से लें, ना कि उसे हंसी में उड़ाए, नहीं तो आपको बाद में खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ज़्यादा पेट भरकर खाने से और मदिरा सेवन से बचें। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। कुल मिलाकर फायदेमंद दिन है, लेकिन आप समझते थे जिस पर आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं वह आपके भरोसे को तोड़ सकता है। आप खुद को ऊर्जा से सराबार महसूस कर रहे हैं, इस ऊर्जा का प्रयोग कामकाज में करें। दफ्तर में अपनी गलती स्वीकार करना आज आपके पक्ष में जाएगा, लेकिन आपको इसे सुधारने के लिए विश्लेषण की आवश्यकता होगी। आपकी वजह से जिसे नुकसान हुआ है उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। याद रखिए कि हर कोई गलती करता है, लेकिन केवल बेवकूफ़ ही उसे दोहराते हैं। अपने काम और शब्दों पर गौर करें, क्योंकि आधिकारिक आंकड़े समझने में आज आपको मुश्किल हो सकती है। अपने कुछ करने और दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा बनी रहेगी। आप मजबूत और पक्के फैसले ले पाएंगे और ऐसा करने का आपका समय बिल्कुल सटीक है। आप अपने पुराने कर्ज और आसानों से भी मुक्त हो पाएंगे। आप अपनी शीघ्र विचार की क्षमता के कारण किसी की ज़रूरत के समय मदद कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज ऑफिस में कौन बीमार है और उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे टेलीफोन, लैपटॉप या दूसरे उपकरणों का प्रयोग करने से बचें। अगर आप ऐसा कर पाएँ तो आसानी से संक्रमण से भी बच सकते हैं। आप बहुत परोपकारी हैं और दूसरों का जितना ख्याल आप रखते हैं वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है, लेकिन ना भूलें कि अपना ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि आपके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आने वाली है, इससे आपकी लव लाइफ और करियर दोनों ही प्रभावित होंगे। इस समय ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर की बातों और शब्दों को भावनात्मक प्रतिक्रिया ना दें। इनके स्थान पर उनकी हर भावभंगिमा को निष्पक्ष होकर जांचें। इससे आपको सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। आज आपको विभिन्न भूमिकाओं का क्रियान्वयन करना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों से मदद लेने में संकोच ना करें। वे सफलता के रास्ते पर आपको एक मजबूत समर्थन दे सकते हैं। छात्रों के लिए एक अच्छा दिन रहेगा और उन्हें एक प्रतिष्ठा संस्थान से डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त हो सकती है। इन स्थितियों की उच्च से उच्च भुगतान नौकरियों में भी आपको अवसर मिल सकता है। दोस्तों ये था आज का सिंह राशि का राशिफल। दोस्तों रविवार सूर्यदेव महाराज का दिन है। दोस्तों अगर आप घर पर रहकर सच्चे मन से सूर्यदेव महाराज की पूजा आराधना करते हैं, सूर्यदेव महाराज आपकी जरूर सुनेंगे, आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों रोज की कुंभ राशि फल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा।